इफ़ यू आरिंग बट आर फैमिली टैलेंट ताकि आप अपनी बात को प्यार से मनवा सकें जैसे उनको भी तो पहले कहा उनके ससुर ने कहा उनके समाज ने कहा कि ये क्या महिला होके भूमियार घर की महिला कोई थोड़ा खेत में जाती है पर उन्होंने परवाह नहीं की जाते रहे धीरे 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 जितना सब रेजिस्टेंस था खत्म हो गया तो आपको अपने अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि भाई अगर मैं सही रास्ते पे हूं तो उनको ही बनाइए ये।, ये भी अपना काम है हाउ इज गुड और विच इज बैड जिस काम को करने में किसी का दूसरे का अहित ना हो और सबका हित हो वो अच्छा काम जिसके अंदर जिसको करने में मेरा केवल हित हो दूसरे का नुकसान हो जाए तो भी हम करते हैं वो गलत है सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना इंजीनियरिंग्स और मेडिकल के स्टूडेंट्स को अगर आपने ये कोर्स करा होता पहले तो सर आपका क्या रिएक्ट होता सर अपने मतलब अपने सोसाइटी और अपने फैमिलीज के लिए सर देखिए अभी तो आपने देखा किसान चाची को सबको देखा उन्होंने कभी काम को छोटा नहीं समझा काम कोई छोटा नहीं होता और आज के दिन आपके प्रोफेशन में से तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है एक शेफ़ की तनख्वाह आज के दिन पता क्या है तीस लाख रुपए महीना पच्चीस लाख रुपए महीना और कोई होटल के लोगों को इंजीनियरिंग से कम है मुझे तो ऐसा नहीं लगता आपको गलत फहमी है ये।, ये अपने दिमाग से निकालिए जिस ढंग से आज के दिन चल रहा है उसके हिसाब से हमारा इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अलोन वो केवल अकेला 200 बिलियन डॉलर साल के से ज्यादा होने वाला है कहां से लाएगा देश पैसा इतना यही एक इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री जो इस देश के भविष्य को सीधा सुधार सकती है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है आज इस देश को 30 करोड़ जॉब चाहिए होंगी 2021 तक कहां से आएंगी जॉब ये इंडस्ट्री है जो दे सकती है इंडस्ट्री सात प्रतिशत जॉब ये इंडस्ट्री क्रिएट करती है पूरे देश में साल में आपको तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि आप इस 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 तरह की इंडस्ट्री में जा रहे हैं जो कि इस देश के भविष्य को ठीक करने वाले सो वट वर योर मेजर ऑब्स्टेकल्स इफ यू वॉन्ट टू शेयर एंड हाउ यू ओवरकम एंड माई सेकंड क्वेश्चन इज दैट यू आर अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी वट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी वी टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस देखिए खुश रहें खुश रहें तो एनर्जी आ ही जाती है पॉजिटिविटी गिव्स यू एनर्जी मेरा प्रश्न ये है कि हॉस्पिटलिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं व्हाट आर द रीजंस कि बिहार में जितने भी बड़ी बड़े होटल्स ग्रुप्स हैं या बाकी चीज़ें हैं वो क्यों बिहार में नहीं आ पाए क्योंकि डिस्पाइट अ बिग टूरिस्ट प्लेस बिहार में बाकी बड़ी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आई जो हो, हो, होटल मैनेजमेंट वगैरह की चाहे वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी दूसरी इंडस्ट्री हो वो तभी आती है जहाँ डिमांड हो आपने डिमांड तो क्रिएट नहीं किया बिहार का हिस्सा देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियल आउटपुट जिसको कहते हैं समझते हैं आप उसमें केवल 1.46 परसेंट का भागीदारी है देश में जब आपकी आबादी आठ साढ़े आठ प्रतिशत है पूरे प्र, पूरे देश के संबर्ध में साढ़े आठ प्रतिशत पॉपुलेशन है इस प्रदेश की तो आपका इंडस्ट्रियल भागीदारी क्यों वन पॉइंट फोर सिक्स देश के एक बड़े नेता हमने लोगों ने उनसे मिलके कहा कि साहब ये देश को जब तक आप एजुकेशन एजुकेट नहीं करोगे शिक्षा अगर जब तक जब लोगों में नहीं पहुंचेगी तो एक बहुत प्रकार की कुरीतियां दूर नहीं हो सकती हैं तो वो भी बड़े प्रोग्रेसिव थे उन्होंने शुरू किया उनके समय में इसरो जो सैटेलाइट इंडस्ट्री वाले हमारे इसरो है उन्होंने एक प्रयोग किया शिक्षा सैटेलाइट के माध्यम से कैसे दी जा सकती है ताकि ज़्यादा लोगों को दी जा सके ये नहीं हो कि हमको स्कूल खोलें मास्टर रखें ये करें उसके बदले सैटेलाइट से शिक्षा दी जाए परंतु बड़े उनके जो उन्हीं पार्टी के जो बड़े बुजुर्ग नेता थे पहुंच गए सब इकट्ठे के उनके पास बोले साहब ये तो करोगे तो गलत हो जाएगा तो फिर ये वोट कौन देंगे अगर ये पढ़ लिख गए तो सब समझने लगेंगे हमको वोट नहीं देंगे आज तो हम जाति के आधार पर और के आधार पर वोट मांगते हैं लोग देते हैं क्यों सिखाना उनको जब ये स्थिति जब अगर बदलेगी नहीं देश बिहार की तब तक बिहार का आगे बढ़ना कठिनाई है चलो इसके साथ आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं एक बार फिर आप लोगों ने मुझे प्यार से सुना और हमको समझा उसके लिए बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे आप जब देखिएगा ये शो थैंक यू वेरी मच थैंक यू अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें हमारा ईमेल आईडी है डी एस या आप अपने सवाल हमें एसएमएस भी कर सकते हैं बस टाइप कीजिए डी स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव आरोप